हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं ट्रांसलेटर। सी प्रोग्रामिंग का पहले चैप्टर का ये टॉपिक है और इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम लोग इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना बनते हैं और ट्रांसलेटर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसलेटर। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही क्यों पड़ा, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, क्यों करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई, ट्रांसलेटर का यूज हम लोग क्यों करें। तो ट्रांसलेटर का यूज क्यों करते हैं, इसका कारण ये है कि हमारे पास कंप्यूटर है, हम लोग जो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं इस सी प्रोग्रामिंग को हम लोग कहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं, कहाँ कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर में। और हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जीरो और वन समझता है, कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है, बाकी किसी भी अदर लैंग्वेज को ये नहीं समझ पाता है। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर यदि ये सिर्फ जीरो वन समझता है तो हम लोग तो ए बी सी डी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं, स्पेशल जैसे कि हैश हो गया, एट द रेट हो गया, तो फिर कंप्यूटर तो उस पर काम करता है। तो उसी पर हम लोग आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ट्रांसलेटर पढ़ रहे हैं। अब ये सिर्फ जीरो वन समझता है लेकिन हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और हमारा सी भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अब यहाँ पे 01 कंप्यूटर समझता है, हम लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हमें समझाना है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो समझता है वो लैंग्वेज कौन है, लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि इस 01 को ही हम लोग बोलते हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये इसी का लैंग्वेज है, यानी कि मशीन का लैंग्वेज है, इसीलिए इसको मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसी को बोला जाता है डिजिटल नंबर, डिजिटल नंबर, और इसी को बोला जाता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। तो इतने सारे नाम हैं किसका, तो इस जीरो और वन का ये सब नाम है। और इसको टारगेट कोड के भी नाम से जाना जाता है, टारगेट कोड के नाम से। क्यों टारगेट, इसलिए क्योंकि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात करें, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करें, लेकिन फाइनली हमारा टारगेट क्या है, 01 में जाना, फाइनल टारगेट क्या है, 01 में जाना। तो ये जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, इस हाई लेवल लैंग्वेज को इस लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक जो है सॉफ्टवेयर बनाए, क्या बनाए, सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर दे, जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर से आसानी से कम्युनिकेट कर लें। और यही सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बनाए जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है, यही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, ट्रांसलेटर। तो सिंपल में यदि आप डिफाइन करें तो नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसलेटर, इसको डिफाइन करेंगे कि ट्रांसलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो एक लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये इसका डिफिनेशन हो गया। और ट्रांसलेटर इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, क्लियर है। ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो एक लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि हमारा मशीन जो है ना 01 समझता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं अल्फ़ाबेट्स नंबर जो हाई लेवल होता है। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा और वही सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेटर हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीन तरह का आपका ट्रांसलेटर है, उसे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर हो गया यहाँ पे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर
और असेंबलर, और हो गया आपका असेंबलर। तो यहाँ पे हो गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर है तो हम लोग देखें ट्रांसलेटर का क्या काम होता है कि एक लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ सब स्पेसिफिक है क्योंकि हम लोग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़े कि तीन तरह का लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, तीन तरह का लैंग्वेज होता है। अब ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, सबका जो है ना आपका स्पेसिफिक अलग अलग वर्क है। वर्क क्या है कि ये कंपाइलर जो है ना, सबसे पहले जो आप पॉइंट देंगे, कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटर है या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे है आपका हाई लेवल और ये हो गया आपका लो लेवल। तो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका कंपाइलर। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, क्लियर है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसका सबसे जो बेसिक फीचर्स हैं और बेहतरीन फीचर्स हैं वो हैं कि ये होल प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम एक पेज का हो या 10 पेज का हो या 100 पेज का हो, ये होल प्रोग्राम को एक के बार में स्कैन कर देता है और उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। इसका मेन टारगेट क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है आपका, 0 और 1, तो 0-1 जनरेट करना जिसके द्वारा आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट आसानी से कर पाए। तो ये हो गया आपको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, कंपाइलर। और ये होल प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है और 0-1 में कन्वर्ट करता है कौन, कंपाइलर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, इट स्कैन होल प्रोग्राम एट वंस एंड कन्वर्ट इनटू 0-1, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या करता है कि होल प्रोग्राम को एक के बार में स्कैन कर लेता है और 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि इससे जब एक ही बार में सारे प्रोग्राम को स्कैन करके 0-1 में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा। तो ये क्या होता है, ज़्यादा फास्ट काम करता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया हमारे कंपाइलर से संबंधित। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है ना, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर जब दोनों एक ही काम करता है तो दो ठो बनाया क्यों गया। तो ये देखिए आपका जो इंटरप्रेटर है, इसमें और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है। पहला जो सिमिलरिटी है, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये होल प्रोग्राम को, ध्यान रखेंगे, ये होल प्रोग्राम को एक के बार में स्कैन करके और 0-1 में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे, ये लाइन बाय लाइन करता है और ये एक बार में होल प्रोग्राम को स्कैन करके 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये SBET का सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको आप लिखिए, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस भी बनता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस जो है, ये एक के बार में कन्वर्ट करता है और ये लाइन बाय लाइन करता है। इसका डिफरेंस हम लोग आगे में देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी क्या है, हम लोग इसको देखते हैं, इंटरप्रेटर को सेम काम करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और थर्ड जो बेसिक पॉइंट है इसका, इट कन्वर्ट लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन एंड जेनरेट इन 0-1। क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को लेता है लेकिन एक लाइन को उठाएगा, 0-1 में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरे लाइन को, फिर 0-1, फिर तीसरे लाइन को, फिर 0-1 में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये लाइन बाई लाइन होता है। अब लाइन बाई लाइन करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये स्लो होगा। किससे, तो कंपाइलर से क्या होता है, स्लो होता है कौन, इंटरप्रेटर। लेकिन दोनों काम क्या करता है, ध्यान रखेंगे, हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। और तीसरा आपका होता है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है कि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0-1 में कन्वर्ट करने का
काम करता है। और हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी देख चुके हैं, इसमें हम लोग इसको सिम्बॉलिक कोड के नाम से या सिम्बॉलिक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं, और वो सिम्बॉल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, निमोनिक्स, निमोनिक्स कोड, निमोनिक्स कोड जिसमें हम लोग यूज कर रहे थे एडिशन के लिए, ऐड, सबट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए एम यू एल, तो जो कोडिंग का यूज कर रहे थे उसी कोडिंग का नाम क्या है, निमोनिक्स। यहाँ पे एम साइलेंट रहता है इसलिए इसको बताया निमोनिक्स कोड। हम लोग भी देखे थे ऑब्जेक्टिव के लिए कि मैक्सिमम 5 लेटर्स ही कंबाइन कर सकता है निमोनिक कोर्स में। अब इसका जो है ना वीडियो अवेलेबल है, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप जो है ना CTS एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा असेंबलर का करता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये तीनों हमारा हो गया कौन, ट्रांसलेटर। एक बार फिर से शॉर्ट में बता देते हैं, ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये तीन प्रकार का होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, और ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है और जीरो में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कारण क्या होता है, फास्ट होता है। इंटरप्रेटर भी सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, और ये लाइन बाई लाइन करता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, और ये क्या होता है, स्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू कंपाइलर। और असेंबलर जो है ना मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे ट्रांसलेटर से संबंधित। हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इधर आप ले लीजिए कंपाइलर, इधर हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि दोनों एक ही काम करता है, क्या, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इट ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। दोनों का काम क्या है, सेम है। पहला तो पॉइंट हमारा ये बन जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर, इट इज ऑल्सो ये सॉफ्टवेयर। थर्ड पॉइंट, इट स्कैन होल प्रोग्राम। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको PDF में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पे PDF आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे डिटेल्स में इसका दिया गया है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होल प्रोग्राम को एक बार में स्कैन करता है, होल प्रोग्राम को, और इसको 0-1 में कन्वर्ट कर देता है, और क्या करता है, लाइन बाई लाइन करता है, लाइन बाई लाइन करता है। अब ये होल प्रोग्राम को आप देखिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक टीचर है कि 100 स्टूडेंट को एक ही बार में पढ़ा लेता है, एक घंटा में 100 स्टूडेंट को पढ़ा लिया, ठीक है। और एक टीचर है जो एक बार में एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो बहुत ही स्लो काम करेगा, तो ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में पूरे काम को निपटा देता है, और ये क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में स्लो हो जाता है। अब देखिए जो मेन यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये जो है ना 100 स्टूडेंट को एक बार पढ़ाएगा, तो इसको बहुत बड़ा हॉल चाहिए 100 स्टूडेंट को बैठाने के लिए। लेकिन इसको क्या है कि एक स्टूडेंट है तो एक टूल पे भी ये काम चला सकता है, एक चेयर पे भी काम चला सकता है, तो इसको ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट हो जाता है आपका, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, और यहाँ पर लेस मेमोरी रिक्वायर्ड। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक डिफरेंस ये तीन को है, ये दोनों तो इसमें सिमिलरिटी हो जाता है, ये तीन को पॉइंट्स हैं, होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, फास्ट स्लो, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, और क्यों ज़्यादा और क्यों कम लेगा, आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेटर से संबंधित कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।